लक्ष्मी भाभी आप कैसे हो मुकेश भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ। लक्ष्मी मुकेश, मुकेश अंदर ले आ लक्ष्मी को। लक्ष्मी भाभी आइए ना, आइए। वो अंदर नहीं आएगी। ये क्या कह रही हो तुम? भले ही घर छोड़कर गई हो, अब भी मेरी बेटी है। देखिए, वो अंदर आएगी, जरूर आएगी। पर आप हाथ छोड़ दो, सबके सामने तमाशा मत करना प्लीज। लक्ष्मी आई है। ये मनुष्य यहाँ क्यों आई है? कौन सी नई मुसीबत लेकर आई? मेरा बच्चा। अंदर आ, रानू आ तू भी। लक्ष्मी बेटा। आ ना। क्या हुआ बेटा? आओ ना अंदर, आओ। मैं यही ठीक हूँ दादी। देख पुत्र, ऐसा बोल के ना तू ठीक नहीं कर रही है। चला अंदर आ। जितना बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, मैंने तो ठीक ही किया ना दादी। पर शायद भाग्य को यही मंजूर है ऐसे बाहर यही। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? आओ ना अंदर बेटा। नहीं बाबूजी, अब बात नहीं है। मैं बस आपसे एक विनती करने आई थी। कौन सा जाल फेंकने आई है? बाहर रहकर ही हम सबको फंसाएगी क्या? विनती? तुम विनती करोगी? नहीं बेटा, बेटी हो तुम, मेरी हक बनता है तुम्हारा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए तो इतनी हिम्मत कर पाई यहाँ तक आने की। जानती हूँ कि आपने हमेशा मुझे मेरे बाबूजी जैसा ही लाड़ प्यार दिया है। कभी उनकी कमी नहीं महसूस होने दी, हमेशा उनके जितना आशीर्वाद दिया, हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे सर पर अपना हाथ रख। बस इसीलिए बाबूजी आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। बेटा मैंने कहा ना, मेरी बेटी हो तुम, जो मांगना है मांगो। तुझे पता है तू जो भी मांगेगी मैं दे दूंगा तुझे। बस बता क्या चाहिए तुझे, क्या करना है मुझे। भाभी ये क्या कह रहे हैं भाई? ऐसे कैसे आंख बंद करके सब कुछ दे देंगे? कल इसने हमसे हमारा सब कुछ मांग लिया तो, हमारा घर, पैसा, जायदाद, जमीन, ये सब मांग लिया तो हम हाँ कह देंगे, सब कुछ दे देंगे इसे क्या? जब वो मांग सकती थी तब नहीं उसने मांगा, यही फर्क है लक्ष्मी में और बाकी लोगों में। बेटा तू बाकी लोगों की बातें मत सुनना, बस तू बता क्या चाहिए तुझे। हाँ बताओ, क्या छीनने आई हो तुम, बोलो। मैं वही मांगने आई हूँ जो एक पिता का हक भी होता है और फर्ज भी, और एक बेटी का सौभाग्य होता है। बोलो बेटा। भाऊजी मैं चाहती हूँ आप मेरा कन्यादान करें। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।